हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रोटी की रेसिपी। वैसे तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, लेकिन आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ आप अपनी रोटी की रेसिपी शेयर करें। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आटा गून लेंगे। तो एक कप हम गेहूं का आटा ले लेंगे। ये आशीर्वाद वाला गेहूं का आटा है। आटे को हमने अच्छे से छान लिया है। अब हम इसको परात में ले लेंगे और इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट आटा गून लेंगे। रोटी के लिए हमको सॉफ्ट आटा गूंदना है, टाइट आटा नहीं होना चाहिए। आटा सॉफ्ट होगा तो रोटी भी एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। तो ये हमने सॉफ्ट आटा गूंद लिया है। बहुत ज़्यादा भी आटा गीला नहीं करना है, नहीं तो बेलने में दिक्कत आती है। तो इस तरीके से सॉफ्ट आटा गूंद लेना है। उसके बाद हम 3 से 4 मिनट के लिए इस तरीके से आटे को अच्छे से मसल लेंगे। आटे को हम अच्छे से मसल लेंगे तो रोटियाँ बहुत ही अच्छी बनेगी और एकदम सॉफ्ट बनेगी और बेलने में भी बहुत ही आसानी रहेगी। तो 3 से 4 मिनट बाद आटे को अच्छे से मसलने के बाद इस तरीके से हम गड्ढा कर लेंगे और उसमें थोड़ा पानी लगा लेंगे और उसको ढक के हम 15 मिनट के लिए सेट होने देंगे। आटा अच्छे से सेट हो जाएगा तो रोटियां बहुत ही अच्छी बनेगी। तो 15 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। तो आटे को हमको फिर से एक बार मसल लेना है। तो इसके ऊपर हम 1/2 टीस्पून जितना घी डाल देंगे और इसी में से थोड़ा सा घी हाथ में भी लगा लेंगे, जिससे आटा हाथ में चिपकेगा नहीं। अब हम आटे को 2 मिनट के लिए इस तरीके से मसल लेंगे। आटे को एकदम स्मूथ कर लेना है, इस तरीके से एकदम चिकना कर लेना है। तो आप देख सकते हो आटा एकदम अच्छा स्मूथ हो गया है, एकदम परफेक्ट तरीके से हमने गूंद लिया है। अब हम इसमें से लोए बना लेंगे। तो हमारे यहाँ एकदम पतली रोटी बनाई जाती है, फुलका बनाए जाते हैं, तो मैं छोटे छोटे लोए कर रही हूँ। अगर आप बड़ी रोटी बनाते हैं तो आप बड़े लोए कर लेना। बड़ी रोटी भी एकदम सॉफ्ट ही रहती है, जैसी मैं बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमने लोए बना लिए हैं, अब हम बेलना स्टार्ट करते हैं। तो एक लोया ले लेंगे और सूखे आटे की मदद से हम इस तरीके से रोटी बना लेंगे। आटा सॉफ्ट है तो हमको बीच बीच में इस तरीके से सूखा आटा लेना पड़ता है। तो जैसे ही ज़रूरत पड़े हम इस तरीके से बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाते जाएंगे और इसको बेल लेंगे। आप देख सकते हो बहुत ही इजीली मैं इसको बेल पा रही हूँ और बहुत ही जल्दी से रोटी बड़ी हो जाती है, क्योंकि आटा बहुत ही अच्छे से हमने गूंदा हुआ है और आटा एकदम परफेक्ट सेट हुआ है। तो ये हमने एक रोटी बेल ली है, मैं आपको दिखाती हूँ इतनी पतली बेलनी है। आप चाहे तो थोड़ी मोटी भी बना सकते हो। अब हम रोटी को सेक लेंगे। तो तवा मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तवा गर्म हो गया है, अब हम गैस की फ्लेम स्लो कर लेंगे और रोटी को एक तरफ हल्का सा सिकते ही हम इसको पलट लेंगे। एक तरफ हमको ज़्यादा नहीं सिकना है, इस तरीके से हल्का सा सिक जाए तुरंत हम इसको पलट लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर लेंगे और दूसरी ओर रोटी को एकदम अच्छे से सिकने देंगे। तो आप देख सकते हो रोटी बहुत ही अच्छे से सिक गई है नीचे। अब हम इसको गैस पर इस तरीके से फुला लेंगे। आप चाहे तो तवे पे भी फुला सकते हो। तो ये हमारी बहुत ही अच्छी रोटी बनी है, बहुत ही अच्छे से फूली है। इसको हम कैसरोल में रख देंगे। तो आप चाहे तो नीचे कोई कपड़ा भी रख सकते हो और एक के ऊपर एक रोटी रखते जाएंगे। जब 2 रोटी बनेगी तब हम इसको घी लगा लेंगे। तो मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से सूखे आटे की मदद से हम रोटी को बेल लेंगे। कहीं पे मोटी कहीं पे पतली इस तरीके से रोटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अच्छे से फूलेगी नहीं। तो ये हमने परफेक्ट दूसरी रोटी भी बेल ली है। अब हम इसको सेक लेते हैं। गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे, एक तरफ हल्की सी रोटी सेक जाए फिर तुरंत हम इसको पलट लेंगे। तो रोटी हमारी हल्की सी एक तरफ सेक गई है, अब हम इसको पलट लेते हैं और दूसरी ओर रोटी को बहुत ही अच्छे से सेकना है। तो गैस की फ्लेम अब हम मीडियम टू हाई कर लेंगे और दूसरी ओर रोटी को अच्छे से सिकने देते हैं। तो दूसरी ओर रोटी अच्छे से सिक गई है, अब हम इसको गैस पे फुला लेंगे। आप चाहे तो इसको और क्रिस्पी कर सकते हो इस तरीके से। तो ये हमारी रोटी अच्छे से फूल गई है, बहुत ही अच्छे से सिक गई है। इसको भी हम कैसरोल में रख देंगे।
अब हम इसके ऊपर घी लगा लेंगे। जैसे ही दो रोटी बनती है हम इस तरीके से इसके ऊपर घी लगा लेते हैं। तो हल्का हल्का इस पे घी लगा लेंगे, दोनों पे एकदम अच्छे से घी लगा के फिर हम रोटी को इस तरीके से कैसरोल में रख देंगे। बहुत ही अच्छी हमारी रोटी बनी है। तो मैं आपको एक बार और दिखाती हूँ कि आप अगर चाहे तो तवे पे भी इस तरीके से फुला सकते हो। तवे पे भी ये बहुत ही अच्छे से फूल जाती है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से रोटी फूल गई है। इसको थोड़ी हम क्रिस्पी कर लेंगे। तो ये रोटी को हमने क्रिस्पी कर लिया है, इसको भी हम कैसरोल में रख देंगे। तो फ्रेंड्स हमने सारी रोटी बना के रेडी कर ली है। लास्ट वाली दो रोटी पे भी हम घी लगा लेते हैं। हम लोग ज़्यादातर गैस पे फुला के ही बनाते हैं, आप चाहे तो इस तरीके से तवे पे मैंने दिखा इस तरीके से भी बना सकते हो। तो ये हमने सारी रोटी बेल के अच्छे से सेक ली है, सारी रोटी हमारी रेडी है। मैं आपको एक प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कितनी अच्छी हमारी रोटी बनी है। तो कैसरोल में इस तरीके से हम पैक करके रखते हैं तो रोटियाँ एकदम सॉफ्ट रहती है। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी हमारी रोटी दिख रही है, बहुत ही अच्छी हमारी रोटी बनी है, एकदम सॉफ्ट बनी है। और ये बहुत देर तक सॉफ्ट ही रहती है, दूसरे दिन भी आप खाओगे तो सॉफ्ट ही रहती है। तो इस तरीके से हम फोल्ड भी करेंगे तो भी आप देख सकते हो बिल्कुल भी टूटती नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स आपने देखा बहुत ही ईजी रेसिपी है, आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी ये रोटी कैसी बनी। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप कुकिंग।